Subscribe this channel and click on the bell icon for never miss another update from Daily Vocab Builder. Bell icon dabaiye sare notifications paiye. Daily Vocab Builder, a way of unlimited learning. हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है. मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ डेली वोकैब बिल्डर में. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. आज हमने पहला वर्ड दिया है नुआंस, NUANC, नुआंस. इसका मतलब होता है डिफरेंस इन एक्सप्रेशन और साउंड. सिनोनिम्स ग्रुप में हमने लिया डिस्टिंक्शन या रिफाइनमेंट, ग्रेडेशन. एंटोनिम्स ग्रुप में हमने लिया यूनिफॉर्मिटी या डायरेक्टनेस. और चलते हैं हमारे आज के दूसरे शब्द पे. और आज का हमारा दूसरा शब्द है ट्राउंस्ड, TROUNCED, ट्राउंस्ड. इसका मतलब होता है आसानी से, अच्छी तरीके से हराना. सिनोनिम्स के रूप में एनिहिलेट, ब्लो अवे या ड्रब. एंटोनिम्स के रूप में प्रिजर्व, रिवाइव या फैब्रिकेट. और चलते हैं हम आज के हमारे तीसरे शब्द पे. और आज का हमारा तीसरा शब्द है सिटेडल, CITADEL, सिटेडल, जिसका मतलब होता है अड्डा के सेंस में. सिनोनिम्स के रूप में हमने लिया है कैसल, डॉन्जन, जबकि एंटोनिम्स के रूप में हमने लिया है फ्रेगिलिटी, मोबिलिटी और इन्फर्मिटी. और आज का हमारा चौथा शब्द है कंसेंसम, CONSENSUM, जिसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट, समझौता. सिनोनिम्स के रूप में हमने लिया है कंकर्ड, अननिमाइटी. एंटोनिम्स के रूप में लिया है डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड. और आज का हमारा आखिरी शब्द है स्पेल आउट, जिसका मतलब होता है व्याख्या करना. यह एक फ्रेजल वर्ब है. सिनोनिम्स के रूप में हमने लिया है क्लैरिफाई, कंस्ट्रू, डिमॉन्स्ट्रेट या एलुसिडेट, जबकि एंटोनिम्स के रूप में ऑब्स्क्योर, कंफाउंड या कंफ्यूज. और अब आज बारी है हमारे वन लाइनर GKGS की, तो चलिए शुरू करते हैं. पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है. गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंसले. शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को. जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में, अगस्त 1945 में. भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया था? सतलज नदी पर. भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है. धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने अस्थाई सदस्य हैं? 5. कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में नहीं है? हड़प्पा. और चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? मराठों के द्वारा. इसी के साथ आज का हमारा शो यहीं पर समाप्त होता है फ्रेंड्स. आपसे फिर कल मुलाकात होगी. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज ज्वाइन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट नाउ.